हे गाइस, मायापुरी कट के साथ मैं अमृता एक बार फिर हाजिर हूँ। तो चलिए जानते हैं दबंग सिंह से कि कल के एपिसोड में क्या क्या हुआ। हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। दोस्तों, जैसे कल टास्क दिया था नॉमिनेशन टास्क, उसी को टास्क को आज आगे बढ़ाया गया, जो अभी आधा पूरा हुआ था। आज सबसे पहले जो जिन ने उसने अपने रूम में बुलाया श्रीशांत को। श्रीशांत को जिन ने कहा, भाई तू ऐसे कर कि सुरभि को बोल कि अपने जो हाथ से लिखे हुए उसने नैपकिन के ऊपर कमेंट्स थे, लेटर्स थे, उन सबको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दे। तो सुरभि ने दोस्तों ये टास्क श्रीशांत के लिए कर दिया। वो भी इसलिए कर दिया दोस्तों कि श्रीशांत ने और उसकी बीवी ने उसको बोला था कि मैंने भी तेरे को कैप्टन बनाने में तेरी हेल्प करी थी, तो उसने कहा चलो मैं अपना भार उतार देती हूँ। तो इस तरह अपना सुरभि ने श्रीशांत के लिए ये टास्क कर दिया और श्रीशांत नॉमिनेशन में सेव हो गया। तो दोस्तों दूसरी बारी आई रोमिल की। रोमिल को कहा गया, तुम्हें सोमी को बोल अपनी फैमिली की जो दो फोटो है उसके पास है उनको डिस्ट्रॉय करके काट के वापस दे दे। तो दोस्तों सोमी ने भी रोमिल के लिए ये टास्क कर दिया, क्योंकि सोमी का रोमिल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है दोस्तों। और ये बात आपको और भी बता दूं दोस्तों कि रोमिल की अपने जब से उसकी वाइफ अंदर आई है और सोमी के बीच में उसके रिलेशन के बारे में बात है, पूरे घर वाले अभी तक उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों सही बताएं तो रोमिल की जितना मर्जी शेयर क्यों ना मन रहे कि मैं घर के अंदर भी मैं ये हूं मैं वो हूं, पर रोमिल की अपनी बीबी के आने के बाद जिसकी बीबी ने जो उसके और सोमी के रिश्ते में बातें करी हैं, उसका रोमिल का जो हाव भाव है जो कहते हैं पंजाबी जोड़ी फट रही है दोस्तों अपनी बीबी से। और उसके बाद एटलीस्ट और लास्ट में बारी आई दीपिका की। दोस्तों दीपिका को जिन ने टास्क दिया कि भी तू श्रीशांत को बोल कि अपने जो फैमिली की फोटोज है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। और दोस्तों आपको पता है ये टास्क सबसे आसान टास्क था, क्योंकि श्रीशांत दीपिका के लिए कुछ भी कर सकता है और दीपिका श्रीशांत के लिए कुछ भी कर सकती है, और वही हुआ। श्रीशांत ने फोटो डिस्ट्रॉय कर दी और दीपिका भी इस टास्क में सेव हो गई दोस्तों। और नॉमिनेशन में इस तरह तीन बंदे आ गए दोस्तों, रोहित, सोमी और अपना करण भी। और दोस्तों उसके बाद रोहित, दोस्तों रोहित आपको पता है ढीट है, ढीट कहते हैं ना पंजाबी टीटे का है, उसने सुधर तो है नहीं है, या तो चोरी करेगा या फिर सोया रहता है, काम कुछ करना नहीं है। तो दोस्तों वही हुआ, बिग बॉस ने सबको बुला लिया भी आ जाओ कॉमन रूम में, और वहां बुला के सबको झाड़ पड़ दी कि भाई तुम समझ नहीं आ रही चाहते क्या हो, जहां सोए रहते हो, ये तुम बाहर दिखाने आए हो यहाँ पे अपनी छवि ये दिखाओगे। तो बिग बॉस ने उनको एक पनिशमेंट दे दी। बिग बॉस ने कहा सुरभि को ड्यूटी दे दी, भाई सुरभि तू कहेगा तू कैप्टन है, कोई भी 8 गद्दे इस बार उठा के वापस दे दे मेरे को कि वो बिना बैठ के गद्दे पे सोएंगे। तो ये पनिशमेंट दे दी। अब इसमें सुरभि 8 गद्दे, दोस्तों 8 गद्दे टोटल घर में बंदे ही 10 हैं, अगर 8 गद्दे उड़ जाएंगे तो सुरभि इसमें धर्म संकट में पड़ गई कि भैया मैं किससे गद्दे लाऊं किससे लाऊं। इसके चक्कर में सुरभि की, सोमी की, श्रीशांत की और अपना दीपिका की एक घमासान लड़ाई भी हो गई। दीपिका का कहना बिल्कुल ठीक था, भाई तुम उनके गद्दे उठा जिनके गद्दे को तुम पनिशमेंट देती है, जो सोते हैं जैसे रोहित सोता है, रोमिल सोता है, कभी कभी दीपक भी सो जाता है, तो भी तू उनके गद्दे उठा, तू हमारे गद्दे को उठा रही है यहां से। तो इसलिए इस चक्कर में इनकी आपस में घमासान लड़ाई होगी दोस्तों। जो उन्होंने टास्क किया था जो पीछे एक रद्द हुआ था उसमें उनकी जो लग्जरी टास्क होता है वो कैंसिल कर दिया बिग बॉस ने। पर बिग बॉस ने कहा भी चलो कोई आखिरी वीक चल रहे हैं, एक तुम्हें चांस और दे देता हूं। उन्होंने एक चिंग चाइनीज टास्क दे दिया जिसमें ये दो टीमें बना दी गई कि तुम्हें दो टीमों को आपस में खाना बनाना था। एक टीम की लीडर थी दीपिका और दूसरी टीम की लीडर थी सोमी। जो सोमी की साइड थे वो थे श्रीशांत और अपना रोमिल, और जो दीपिका की साइड थे वो थे रोहित और दीपक। मतलब कमांड दीपिका और सोमी देंगी पर खाना इनके शेफ बनाएंगे। तो इसमें अंदर जो टास्क के अंदर जो फाइनल डिसीजन लेना था वो बना दिया गया करणवीर को और सुरभि को। तो दोस्तों जब खाना बन गया तैयार हो गया तो इस टास्क के अंदर दीपिका जीत गई और दीपिका को हैम्पर मिल गया, एक जिसे कहते हैं कि उसमें चॉकलेट वर्ड्स जो भी होती है वो हैम्पर उसे गिफ्ट में दे दिया गया। ये थी कल के एपिसोड की बातें। अब चलिए जानते हैं उनसे कि आने वाले दिन में जो टास्क होने वाले हैं उसमें और क्या क्या ड्रामे और हंगामे घर वाले करेंगे। दोस्तों ये तो होगी कल के एपिसोड के बारे में, अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा दोस्तों। आज एक दिन टास्क दे दिया जाएगा दोस्तों, उसके अंदर जो टास्क होगा वो सुरभि क्वेश्चन पूछेगी दीपिका से और दीपक से, ये होगा रैपिड फायर फॉर्म। इसके अंदर भी सबके बारे में पूछा जाएगा भाई कौन इस घर में लायक रहने लायक नहीं है, या कौन घमंडी है, या कौन अपना चिड़चिड़ाया है, या किसको किस घर पे ही रहने के लायक नहीं है। तो दोस्तों इस टास्क के बाद फिर एक कहते हैं ना वो घमासान लड़ाई वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सब पे एक एलिगेशन लगा दिए जाएंगे। ओके दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके। तब तक लिए सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।
बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।